दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में से एक, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। नमस्कार, आज तक के दर्शकों को नमस्कार। गंगा का ये किनारा है जहां से हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी जी के लिए भी नारे लग रहे हैं। माँ गंगा के साथ, काशी के साथ आपका ये जो रिश्ता है वो क्या कहलाता है? नामांकन का मौका है, पूजा पाठ करके माँ गंगा को प्रणाम करके आप आ रहे हैं। एक तो आज दो अवसर हैं, गंगा सप्तमी है और इसी दिन माँ गंगा का प्राकट्य हुआ था, और यही दिन है जिस दिन शिवजी ने उसका जो रौद्र रूप था उसको अपनी जटाओं में समा लिया, और फिर धीरे 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 जनहित में माँ गंगा को प्रवाहित किया। धरती पर आने में तो देर लगी थी, लेकिन प्राकट्य महोत्सव था आज, तो ऐसा एक शुभ अवसर है। दूसरा, मैं अनुभव करता था जब पहली बार मैं मेरी पार्टी ने मुझे यहाँ चुनाव लड़ने के लिए कहा, तो मैं कह रहा था कि भाई, और सहज रूप से मेरे मन में निकला था कि माँ गंगा ने बुलाया है। लेकिन 10 साल का मेरा जो यहाँ से नाता रहा है, तो मेरी एक पुरानी दुनिया थी उससे मुझे लिंक कर दिया, और फिर मैं एक बार गंगा की गोद में समा गया। माँ गंगा ने गोद ले लिया है आपको, और इसलिए मैं हमेशा भाव रखता हूँ कि माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है, और माँ के जाने के बाद मुझे ये भाव और ज्यादा तीव्र हो गया है। मेरे रग रग में, मेरे भाव विश्व में माँ गंगा ने उस रिक्तता को भरा है। माँ को याद करते हुए आप इतने भावुक हो रहे हैं प्रधानमंत्री जी? ये जो आपकी भावना है, माँ गंगा ने एक वक्त पर आपको बुलाया और फिर आप काशीवासी ही होकर रह गए, यहाँ के लोगों का जिस तरह से प्यार स्नेह आपको मिलता है और माँ गंगा का आशीर्वाद, काशी वाले तो ये भी कहते हैं कि अगर रानी अहिल्याबाई के बाद किसी ने काशी नगरी को बदलने का काम किया है, इसको विकास की तीव्रता देने का काम किया है, तो वो नरेंद्र मोदी है। मैं काशीवासियों का आभारी हूँ, वो इस भाव से इस काम को देख रहे हैं। लेकिन जब 10 साल पहले मैं आया था तो एक जनप्रतिनिधि बनने के लिए, यहाँ के लोगों के मतदाता के रूप में, नागरिक के रूप में देख करके आया था जी। लेकिन 10 साल में उन नागरिकों ने, उन काशीवासियों ने मुझे देखते ही देखते बनारस की बना दिया। आप पूरे बनारस ही हो गए हैं।